लो बेटा खा लो, आराम से खा लो, छोड़ दो बेटा। अरे भाई साहब सुनना जरा, ये राकेश जी का घर कहाँ पड़ेगा जो बकरी वगैरह पालते हैं? राकेश जी? हाँ, जिनका लकड़ियों का काम भी है, वो तो हमारे पड़ोसी हैं जी। बताओ क्या काम है जी? वो घर बता दो उनका, मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया है ना, तो उसके लिए बकरी का दूध चाहिए था। भाई साहब राकेश जी ने तो करीबन एक साल पहले बकरी पालना छोड़ दी थी, और अभी सावन चल रहे हैं ना, तो वो कावड़ लेने गए हैं। बाकी अगर आपको बकरी का दूध चाहिए तो हमारे पास बहुत बकरी है, हम दे देंगे। बाकी ये रहा हमारा पास में ही घर है, आ जाओ दे देते हैं। हाँ ठीक है भैया, चलो। रुको भैया, ये देखो ये भी मुसलमान है, और वो देखो सामने तीन बंदे खड़े हैं, वो भी मुसलमान है। मुझे तो लग रहा है पूरा गांव मुसलमानों का है, हम नहीं जा रहे इनके घर। अरे क्या हो गया बाबूजी, दूध एकदम प्योर मिलेगा, कोई मिलावट नहीं करते हम। और वैसे भी आप तो राकेश जी के मेहमान हो, इसका मतलब हमारे भी मेहमान हुए। आ जाओ आ जाओ, अरे सोचो मत, आ जाओ, चल बेटा चल घर चल, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अरे छोड़ो भैया इनकी बातों में मत आओ, आजकल देखा नहीं क्या आपने सोशल मीडिया पे कितनी नफरत फैल रही है, कहीं इस नफरत का शिकार हम हो गए तो? अबे यार तू तो फालतू में इतनी टेंशन ले रहा है। अरे भाई हमें करना क्या है, बकरी का दूध लेना है और वापस हमें घर जाना है। चला आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, ये रहा हमारा घर, ये रहा, आ जाओ आ जाओ। और देखो राकेश जी का घर वो सामने वाला है, हटो बच्चों हटो, बैठ जाओ बाबूजी, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बेटा जा गिलास में पानी लेके आ इनके लिए, जा। और ये ले, ये बकरी भी ले जा अंदर। बाबूजी बस आप यहाँ 5 मिनट बैठो, मैं आपके लिए बकरी का दूध लेके आता हूँ। आ भाई सलमान, खिला दिया सारी बकरी को चारा। आ, 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 आ बेटा। भैया मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, ये हमारी खातिरदारी इसलिए इतनी ज्यादा कर रहे हैं, या तो ये हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, या ये हमें बकरी का दूध बहुत महंगा देंगे। लो बाबूजी ये लो, पूरा 1 लीटर है बकरी का दूध, ये लो। कितने पैसे हो गए भैया? ये लो अपने पैसे काट लो। अरे क्या कर रहे हो बाबूजी, ये रखो अपने पास। अरे क्या हो गया भैया, पैसे कम थे क्या? अरे बाबूजी पहले तो आप ये बताओ आपसे पैसे मांगे किसने, भला 1 लीटर दूध के कोई पैसे लेता है क्या? और वैसे भी आप तो राकेश जी के मेहमान हो, राकेश जी के मेहमान मतलब हमारे मेहमान, और मेहमानों से हम पैसे नहीं लेते। और सोच क्या रहे बाबूजी, रही बात डोलची की, तो जब भी आपका यहाँ से निकलना पड़ना हो ये डोलची मुझे वापस कर देना, और वैसे भी अपने घर में जा रही है, चलो चलता हूँ। देख रहा है इसे कहते हैं गांव के लोग, और तू सोशल मीडिया कम देखा कर, चला डर लग रहा था इन्हें।